फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। आज हमारे सामने टाटा टियागो एग्जेक्ट प्लस टॉप मॉडल ICNG मॉडल। आज मैं इससे कुछ छोटा सा टेस्ट करना चाहूँगा, देखूंगा कि ये गाड़ी कितनी कैपेबल है। मेरे सामने एक छोटा सा पैच है, यहाँ से लगभग हाफ किलोमीटर का ये पैच है। ये बहुत ही ज़्यादा इसमें गड्ढे हैं, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा ऑफ रोड टाइप का ये रोड है। मैं इसमें एक टेस्ट करना चाहूँगा कि ये CNG पे विद AC फर्स्ट गियर में विदाउट कोई रेस दिए, कोई एक्सलेशन दिए, ये इस पैच को पूरा पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मैं इसमें AC भी ऑन रखूँगा और कोई एक्सलेटर नहीं दूंगा, फर्स्ट गियर में गाड़ी को चलने दूंगा ऐसे ही। चलिए शुरू करते हैं, मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, गाड़ी अभी ऑफ है, मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, AC को ऑन कर देते हैं यहाँ से। बोलेरो की स्पीड मैंने 2 पे सेट कर दे रहा हूँ, टेम्परेचर मैंने 24 सेट कर दिया है। मैं फर्स्ट गियर इंगेज करता हूँ और चलिए अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। मैं गाड़ी के क्लच को छोड़ रहा हूँ, गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया है। देखिए, मैंने पूरे दोनों पैर ऊपर कर लिए हैं, मेरे दोनों पैर ऊपर हैं, नीचे मैंने कोई भी नहीं किया है और सामने कुछ तरीके से हमारा पैच है। अभी तक गाड़ी इजीली चल पा रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही गाड़ी को, गाड़ी इजीली क्रीप कर रही है। मैंने कोई भी एक्सलेटर नहीं दिया है, दोनों पैर मेरे ऊपर हैं, गाड़ी इजीली जा रही है। यहाँ से AC ऑन है, इजीली गाड़ी क्रीप कर पा रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई भी स्ट्रगल गाड़ी नहीं कर रही है। कोई बैकलाइट नहीं दे रखा है, आप देख सकते हो गाड़ी अपने आप 7 की स्पीड पे कॉन्स्टेंटली विद AC ऑन है। आप देख सकते हो यहाँ से AC ऑन है। मैंने फोल्ड करके ऊपर रख लिए, देखिए आप गाड़ी किस तरीके से कुछ गड्ढे आएंगे। AC ऑन है, फर्स्ट गियर है, कोई एक्सलेशन नहीं दिया है मैंने, गाड़ी अपने आप ही क्रीप कर रही है, कोई स्ट्रगल नहीं है, इजीली अपनी कैपेबिलिटी को शो कर रही है। बहुत ही कैपेबल मुझे अभी तक ये गाड़ी लगी है। आपको बस स्टीयरिंग को संभालना है, गाड़ी कह रही है मैं चलती चली जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि गाड़ी बिल्कुल इजीली पूरा पैच आराम से बिना कोई एक्सलेशन दिए, AC ऑन थी, टेम्परेचर भी मैंने 18 सेट कर रखा था, बोलेरो की स्पीड 2 सेट कर रखी थी, गाड़ी को कोई स्ट्रगल नहीं हुआ विद AC, उसने विदाउट एक्सलेशन इजीली फर्स्ट गियर में वो पूरे पैच को पार करके चली आई है। तो इससे पता चलता है कि गाड़ी काफ़ी कैपेबल है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है गाड़ी को, ऐसे कोई गाड़ी में अच्छी खासी पावर डिलीवरी है। CNG पे होने के बावजूद कोई ऐसा कोई इशू फेस होने को नहीं मिला। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इस तरीके के आप और टेस्ट चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप
वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऐसे ही मैं भी और वीडियो लेके आता रहूँगा आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।